हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसको सॉल्व करके हम कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने वाले हैं। इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम दो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हमें एक सब्सक्राइबर ने सेंड किया है तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दो चैप्टर्स आपके यूज़ होने वाले हैं जो कि है बैंकिंग एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अनन्या हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1000 पर मंथ एट 10% पर एनम। यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे गिवन लिखते चलते हैं। यहाँ पे है अनन्या के पास एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है ऑफ ₹1000 पर मंथ। ये हमारा क्या हो जाएगा, उसको ₹1000 किश्त हर महीने जमा करनी है, मतलब कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल। यहाँ पे ₹1000 पर मंथ एट 10% पर एनम, ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% आर हो गया हमारा। फिर है इफ़ शी गेट्स ₹5550 या 5550 एज इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें गिवन है इंटरेस्ट ₹5550 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। फाइंड द टोटल टाइम, हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। तो आपने अगर बैंकिंग चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा आपको पता होगा यहाँ पे टाइम ईयर्स में नहीं होता, यहाँ मंथ्स में होता है। तो यहाँ पे एन को हम क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, यहाँ पे टाइम को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप टी से भी कर सकते हो बट एन से करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज यहाँ पे हम नंबर ऑफ मंथ्स निकाल रहे हैं। ये सारा गिवन हमने लिख लिया। अब यहाँ फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, बैंकिंग में रिकरिंग डिपॉजिट में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन एन प्लस वन डिवाइड बाय टू इंटू ट्वेल्व और मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। ये हमारा होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। यही एक इकलौता फॉर्मूला आपका बैंकिंग चैप्टर में है और अगर इस फॉर्मूले को आप याद कर लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया, चाहो तो आप जाके उसको भी देख सकते हो। मैंने बैंकिंग चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया हुआ है। इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। इसी फॉर्मूला में हम वैल्यूज को बस पुट करेंगे। आई हमको गिवन है, आई हमारा है 5550 इज इक्वल्स टू पी का वैल्यू है 1000, एन का वैल्यू हमको निकालना है तो एन को ऐसे ही रखेंगे एन एन प्लस वन डिवाइड बाय टू इंटू ट्वेल्व, इसको 24 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय आर हमको दिया हुआ है कितना 10%, 10/100। बस इसी को सॉल्व करना है, जीरो से जीरो कट जाएगा नीचे और इस जीरो से ये जीरो काट दो और उसके बाद 100/24 इधर बचा, इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड। ये हो जाएगा 5550 इंटू 24 डिवाइड बाय 100 राइट इज इक्वल टू एन एन प्लस वन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे जीरो से जीरो एक कट जाएगा, उसके बाद फाइव से काट सकते हो, फाइव से पूरा काटोगे वन 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 आ जाएगा, फाइव टू ज़ा टेन, उसके बाद 24 को टू से काट दो, ये हो जाएगा 12 2 ज़ा 24। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 12 × 111। यहाँ पे हम 12 को 111 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 12 × 111 ये आ जाएगा आपका 12 1 ज़ा 12 12 1 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12, कितना आ गया है 2 3 3 1 1 3 3 2 ये आ गया। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1 3 3 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप n को मल्टीप्लाई कर लो n n प्लस वन, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n। अब यहाँ तो हमको n का वैल्यू चाहिए था बट यहाँ हमें दूर दूर तक कोई वैल्यू तो दिख नहीं रहा है n का, यहाँ तो एक इक्वेशन बन के आ गया। इस इक्वेशन को अगर हम सही से बना लें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n और 1332 को भी हम राइट साइड ले आते हैं, मतलब पूरा इक्वेशन तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस इधर आके 1332 और एक साइड हम लिख देंगे इक्वल टू जीरो, मतलब उधर जीरो बचेगा। ये जो हमारा आया है इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तब जाके हमको यहाँ एन का वैल्यू मिलेगा। इसी में कई बच्चे फंस जाते हैं एंड बेसिकली यहाँ पे देखो अब नया चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगने लगा। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट अब लगाना पड़ेगा। इस इक्वेशन को आप कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, दो तरीके आपके होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन करके या फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको फैक्टराइजेशन करके बिकॉज उस तरीके से आसान पड़ेगा। ये रहा हमारा इक्वेशन, इसको बस सॉल्व करना है। इसको फैक्टराइज करेंगे बेसिकली हम, तो फैक्टराइज करने के लिए हम करते क्या हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का यहाँ पे एन है, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ वन ही है हमारा एन स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वन को हमें 1332 से मल्टीप्लाई करना है, 1332 आएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं फैक्टर्स निकालने के लिए, तो 1332 ये सारा काम आपका रफ वर्क में होता है। तो यहाँ पे 1332 को फैक्टराइज करो, 2 से काटो ये आएगा 2 6 12, 1 3 तो ये हो जाएगा 2 6 12, फिर उसके बाद 1 2 तो 2 6 12, फिर 2 से कटेगा ये आ जाएगा 3 3 3, फिर 3 से काटो ये आ जाएगा 1 1 1, उसके बाद ये आपका 3 से अगेन कटेगा ये कितना आ जाएगा
थ्री थ्री ज़ा नाइन, उसके बाद 3 7 ज़ा 21, तो 37 अब प्राइम नंबर आ गया ये, तो 37 आपका 37 से ही कटेगा, तो ये आ जाएगा 37 1 ज़ा 37। सो ये हमने फैक्टराइज तो कर लिया। अब हमें यहाँ पे कोई ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे जो बीच वाला हमारा एन है इसका कोफिशियंट बन जाए, यानी वन बन जाए। तो यहाँ पे कौन से दो ऐसे फैक्टर्स आएंगे देख लो, यहाँ पे आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो एक तो हमको मिल गया 36 इतना मल्टीप्लाई करके, और नीचे 37 ये हमको दूसरा फैक्टर मिल गया। सो जो दो फैक्टर्स हैं आपको दिख भी रहा है कि 37 में से आप 36 माइनस करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा, जो कि आपका बीच वाला नंबर यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। सो यानी कि हमको मैं फैक्टर्स मिल गए हैं, तो बस यहाँ पे इक्वेशन को अभी सॉल्व करते हैं रख के। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, बीच वाले टर्म को हम तोड़ते हैं फैक्टर्स में, तो यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो प्लस माइनस में ध्यान रखना क्या आपको प्लस लेना है, कौन सा वाला फैक्टर आपको माइनस लेना है। यहाँ पे आपको बनाना है प्लस का एन, तो प्लस का एन बनाना है यानी बड़ा वाला नंबर प्लस का लेना होगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस 37 एन माइनस 36 एन। इन्हीं दोनों को सॉल्व करोगे 1 एन बचेगा, यानी कि ये वाला टर्म बचेगा बीच का, यही हम करते हैं यहाँ पे। आगे है माइनस 1 3 3 2 इज इक्वल टू 0, बन गया। अब बस इसी को आपको स्प्लिट करना है, यहाँ पे कॉमन वॉमन लेना है, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे पहले दो टर्म्स में हम एन कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा एन प्लस 37। यहाँ आगे के दो टर्म्स में हम माइनस 36 कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा एन, माइनस साइन कॉमन ले चुके हो तो बचेगा प्लस, और 1 3 3 2 में से आप 36 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 37 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स में एन प्लस 37 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन प्लस 37 अगले ब्रैकेट में एन माइनस 36 इज इक्वल टू 0, हो गया फैक्टराइज। अब क्या करना है, बारी बारी से आपको दोनों को एक बार 0 के बराबर रख के पहले वाले ब्रैकेट को देख के देखना है, फिर सेकंड वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रख के देखना है। तो पहले ब्रैकेट को जब हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो वहां से इनका वैल्यू आएगा एन इज इक्वल टू माइनस का 37, और सेकंड ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगा एन इज इक्वल टू 36, बिकॉज 36 दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो एक वैल्यू निगेटिव आ गया, एक वैल्यू पॉजिटिव आ गया। अब हमें पता है कि जब भी हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, दैट मीन्स हमारा ये रिजल्ट नहीं होगा, हमें पॉजिटिव वाला ही रिजल्ट लेना है। सो यानी कि हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना होगा, एन इज इक्वल टू 36 मंथ्स, 36 आ गया, तो यहाँ पे मंथ्स हमारा आंसर था। सो एन इज इक्वल टू 36 मंथ्स, यही हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर कि अनन्या ने 6 महीने तक के लिए पैसे जमा किए होंगे तब जाके उसको इतना इंटरेस्ट मिला होगा। तो आंसर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, सो आंसर इज 36 मंथ्स। सो इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगाने पड़े, एक तो हमारा रिकरिंग डिपॉजिट यानी बैंकिंग का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, बैंकिंग के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, और बाकी यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रहा था जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन वाले तरीके से सॉल्व किया है। आप चाहो तो इसको फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, बट उसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। आप फैक्टराइजेशन प्रैक्टिस करो, काफ़ी क्वेश्चन आपके फैक्टराइजेशन से बहुत आसानी से हो जाते हैं, जैसे कि अभी हमने ये वाला किया है। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर 4 मार्क्स में पूछते जाते हैं एग्जाम में, एंड बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इक्वेशन बन के आ गया है, अब इसके आगे क्या करें। तो कुछ नहीं है, बस आपको इसको सॉल्व कर देना है, एंड यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का आपको देख लेना है, जो पॉजिटिव आंसर होगा वही आपका आंसर यहाँ पे फाइनल हो जाता है। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाकी और कोई सजेशन हो अगर इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।